শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়তে গৌরী গোষ্ঠীপতি বন্দে গুরুপদ ভক্ত বিন্দম শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিতোদি শ্রী নন্দনন্দন বন্দে রাধিকা দয়ম। गोपीजनों सयुक्त बिंदव मनोहर वनछाकृपा सिंधु पति पावुने वैष्णवभ्यो नमो नम मुखति वाचा लंग हितिरी यहाँ बंदे परमाधव বৃন্দাবই তুলসিদে বৈপ্রিয়া বৈ কেসবশিপে দেবী সত্যই নমো নম নায়মস্ত নঞ্চ নম দেী সরস্বতিথি সংকীর্নে কৃষ্ণ কথোপদেশ গৌড়ি ও পত্রস্য প্রকাশ নেচ। গুরু ভক্তি ইুক্ত ভক্তি প্রমদাকসা জাগুধরন ধেয়াম সাদা পারিভাবাগ্ন মাবিষ্তত হন তেথাজপাদামসিভাভেরেনচনুথাম সারা্যম। ভেত্যাত্তিহম কোনত পালড ভাবা বন্দে মহাপুষতে চরণার হা পল্লবনখ ছমনি বিসুজিত স্বদর্শী পূর্ণর সারমূরি সারাধিক মি কথা কর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিতনন্দ सिया दैत गदा धर शिवसादी गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सिया दैत गदा धर शिवसादी गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम রাম রদে আজানু লম্বিতভুজৌ কনকু সংকীর্তনৈকিত কমলা হতা বিশ্বাম্বরিজ ভর যুগ ধর্ম পালৌ বন্দে জগৎ প্রিয় করুণা ভুতারু हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे नामी गंगे तव पाद पंकजम सुरा सुरोहिर बंधितो दीपरूपम् भुक्तिन च मुक्तिं च दधां सिनितम् भावानुरूपे न सदा नरानम् गंगा रमणी जटा कलापम् गौरी निरंतर विभुशी तबाम भागम नारायणो प्रियमनोंगु मदा भारम बनसीपुरपति भजबी सनाथम वागीश जुश्व बदने लक्ष्मींद जस च बक्षसि यस्यास्ति देसंभी त्वं निशिंगमहम भज हरि कृष्ण हरि कृष्ण

न धनम जनम न सुंदरी कविता मम जन्म जन्मेश्वर भक्तिर ही गौरी गोष्ठीपति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत परमंश जगत गुरु जी ने बताए कोई भी अवस्था आपका जिंदगी में हो न क्यों भजन बिल्कुल छोड़ना नहीं है हर हालत में भजन करना जरूरी है गौरी गोष्ठी भक्ति, शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को स्वामी भूपान परमंश जगत गुरु जी ने बताए जैसा भी परिस्थिति हो जा होना क्यों आपका जिंदगी में भजन बिल्कुल छोड़ना नहीं हर जीवात्मा का एकमात्र तो कर्तव्य है किसी भी हालत से ये हरिभजन छोड़ना नहीं हरिभजन करना जरूरी है संसार में दुख सुख विपत्ति सो आते रहेगा लेकिन इसमें मूह्यमान होना उचित नहीं संसार में रहते समय जितना सारे दुख कष्ट विपत्ति जितना सारे जितना भयंकर विपत्ति आ आए ना क्यों फिर भी इसको भगवान का कृपा समझकर शांत आनंद से रहना जितना सारे मुसीबतें आना क्यों फिर भी ये भगवान का कृपा समझकर सहन करना भगवान का कीपा समझकर सहन करना जगत का आदमी संसार में कोई कोई विपत्ति हुआ भगवान को आरोप लगाते हैं भगवान का दया नहीं है भगवान ऐसा किया फलाना किया ऐसा बोलते रहते हैं ऐसा बोलते रहते हैं भगवान का ऊपर आरोप लगाते हैं लेकिन पोपा जी ने बताया आपको समझना चाहिए ये भगवान आनंदमय है भगवान मंगलमय है भगवान का नाम है मंगलमय भगवान का नाम अगर अमंगल है तो हमारा ज़िंदगी में जो मुसीबत आए हुए हैं ये भी अमंग, अ, अमंगल के लिए नहीं है मंगल के लिए क्योंकि भगवान मंगलमय है भगवान जब मंगलमय है तो भगवान के द्वारा कैसे अमंगल आ सकता मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम विष्णु उच्चारण मात्र मंगलम सात न संशय विष्णु उच्चारण मात्रो भगवान मंगलमय है इसमें कोई शक नहीं है मंगल में भगवान का कोई भी क्रियाक्रम सब मंगल में है भगवान किसी को दुखों की सागर में नहीं डालता है जीव खुद खुद अपने आप मुसीबत का सागर में छलांग लगाता है ये भगवान का कोई कसूर नहीं है जीव अपने आप संसार का दुख भरे जो समुंदर है इसमें छलांग लगाते हैं और भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं कोई भी इंसिडेंट हो जिंदगी में कोई भी घटना हो इसको भगवान का कृपा समझकर सहन करना चाहिए इसमें क्या होगा भगवान का कृपा मिलता है भगवान का दया है ये शिवास पंडित ने उनके अपना लड़का गुजर गया जगत से फिर भी शिवास पंडित ने सोचा ये भगवान का दया है दयामय भगवान का दया छोड़कर कुछ नहीं है एक मिठाई आपने हाथे हाथ में लिया मिठाई का ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण कहाँ भी आप आप खाओ तो मिठाई होगा भगवान आनंदमय भगवान मंगलमय भगवान चिन्मय है भगवान मंगलमय है चारों ओर कोई शक नहीं इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु खुद अपना जिंदगी में आचरण करके दिखाया शिवास अंगन में जब नाम संकीर्तन रास चल रहा था एक ब्राह्मण कई सारे आदमी कभी कभी आते थे प्रवेश करने के लिए लेकिन प्रवेश करने का कोई किसी को अधिकार नहीं है प्रभु का आगे आदेश है दरवाज़ा बंद करके संकीर्तन होता है एक ब्राह्मण आके दरवाजा खटखटाया दरवाजा खुलो हम संकीर्तन देखेंगे लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं गया था क्योंकि सब आनंद में संकीर्तन कर रहे थे ये ब्राह्मण दुखी होके घर लौट गया ये ब्राह्मण दुखी होके घर को लौट गए और इसका बाद एक दिन नेक्स्ट डे श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा का घाट में देखा गंगा गंगा का घाट में गंगा का घाट में महाप्रभु नहा है ब्राह्मण ने बहुत गुस्से में आके बोला तो काल हम संकीर्तन देखने के लिए गया उधर लेकिन हमको घुसने नहीं दिया हम आप साफ देंगे हम आपको साफ देंगे साफ माने अभिशाप कार हम आप साफ देंगे तुमको क्या साहब तुम्हारा संसार का सुख बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा योर फैमिली लाइफ विल डिस्ट्रॉयट बोल दिया तुम्हारा संसार आनंद चूर चूर हो जाएगा खत्म हो जाएगा महाप्रभु आनंद से हंसने लगे बड़ा आनंद कितना सुंदर आपने अभिशाप दिया तो बड़ा आनंद की बात है संसार आनंद रहे तो भगवान का आनंद नहीं मिलता है अगर भगवान का आनंद मिलता है संसार का आनंद मिलता इफ यू गेट टेस्ट इन भगवत भजन श्योरली यू कैन लूज टेस्ट इन संगसार और यू आर गेटिंग टेस्ट इन संगसार तो दोनों एक साथ नहीं चाहता तो महाप्रभु आनंद से उछल पड़े यही तो ओभिशाप चाहिए इट इज वन कैन अ बेनिडिक्शन नॉट कार्ड्स यही तो चाहिए हमको महाप्रभु आनंद से उछल पड़े बद्ध जीव जब किसी का जिंदगी में ऐसा बद्ध जीव का जिंदगी में अगर ऐसा कुछ होए तो ये उल्टा समझता है जो कुछ भी होए जो कुछ भी हो रहा है जो कुछ भी हुआ है जो कुछ भी होने वाला है सारे मंगल के लिए तो बात कहते थे जो कुछ भी हुआ है पास्ट में अतीत में जो कुछ भी हो रहा है ये भी आनंद मंगल के लिए आज जो कुछ भी होने वाला है वो भी मंगल के लिए सारे मंगल इसमें कोई गुंजाइश नहीं चलेगा भगवान किसी को दुख नहीं देना चाहता है सब अपना अपना किए हुए कर्म का फल रहे है और भगवान को आरोप लगाते हैं भगवान का दया नहीं है भगवान का का दया है तो ऐसा क्यों क्यों हो गया पोपात बात कहते हैं जो कोई आदमी अगर बीमारी पड़े तो वो सोचता है कि भगवान का दया नहीं है लेकिन संत महात्मा कोई साधु वैष्णव का अगर बीमारी हुए तो वो सोचता है ये भी भगवान का करुणा है भगवान का कृपा है काल हम लोग चर्चा करते हुए यहाँ तक आया था करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का जो विभूति है ये ब्रह्म का विभूति है करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का जो ब्रह्म का विभूति है जोशो प्रभा प्रभाव तो कोटि स्वशेष पुषादि विभूति भिन्नम यकलमत शेष भूतम गोविंदमादिपुरुषम तमह करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों का जो करोड़ों करो ब्रह्मांडो ये ब्रह्म का विभूति है सही ब्रह्मज्योति ज्योति सही विभूति सब गोविंदों का है ब्रह्मज्योति है जो इनपर्सनल ब्रह्म इफालजेंस जो है ये भी गोविंदों का कांति है ज्योतिर अभ्यांतरे बाहर में अंग ज्योति है इनपर्सनल ब्रह्म इफॉलजेंस ज्योतिर अभ्यांतरे श्याम सुंदर रूप विराजमान है ज्योतिर ज्योतिर्भ्यंतरे श्याम सुंदर रूप विराजमान है सब अंधा है देख नहीं सकता गोपो कुमार बृहद में धीरे धीरे आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा है धरती पे जितना इलाहाबाद है पुरुषोत्तम धाम है वाराणसी सब घूम लिया इसके बाद धीरे धीरे स्वर्ग जा रहा है स्वर्ग में जा भी वह आनंद नहीं मिला भूर भूव स्वर हैं भूव भुवो लोक छोड़ के फिर ऊपर ऊपर लोक में गया ब्रह्म लोक में जाके भी उसका आनंद नहीं मिला ब्रह्म लोक जाके भी उसका आनंद नहीं मिला फिर आगे चलकर ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ज्योति मिला मुक्ति पद वहाँ भी आनंद नहीं मिला कोई आनंद नहीं है कोई आनंद नहीं मिला तो ये ज्योतिर अभ्यांतरे श्याम सुंदर रूप को दर्शन करना है ज्योति तो बाहर का है ज्योति तो बाहर का है अंगद ज्योति लाइट चारों ओर इतना ज्योति है ज्योति मतलब लाइट पर्सन लॉन्ट इम पर तो इसको पेनिट्रेट करके अंदर जाओ तो वहां श्याम सुंदर रूप मिल सकता है श्याम सुंदर रूप मिल सकता है कृष्णदास कुराज गोस्वामी बोल रहे हैं से गोविंदो भोजी अमीर त्यों मोर पोती कृष्णदास कुराज गोस्वामी कह रहे हैं वही गोविंदो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम ये गोविंद को ये गोविंद को मैं भजन करता हूँ ये मेरा पोती पोती मतलब लिटरल मीनिंग हस्बैंड लेकिन लिटरल मीनिंग हस्बैंड पोती लेकिन एक्चुअल इनर मीनिंग जो है पोती मीन पाता जो हमको हमारा इनेविटेबल मुसीबत मौत से बचा सकता है वो है पति जो हमारा इनेविटेबल डेथ से बचा सकता है वो पति है ये एक मत तो किष्णु मेटेरियल पति बचा नहीं सकता एक मत तो हमारा मौत से उद्धार करके ले सकता है यह एक मत तो भगवान हर जीवों का हर जीवों का पति है भगवान श्री कृष्ण पति स्वामी सही गोविंदो भौजियामित्य तेहो मोर पोती ताहार प्रसादे मोर हॉय सृष्टि शक्ति अगर हमारा अंदर में कोई लिखने का क्षमता आया है ये भी उनके कृपा से आया है कोई अगर हरिकथा बोल रहा है ये भी इनके कि पास है ऐसे होता नहीं आर जो ब्रह्म ज्योति है इसमें मुनयो बात बसना वसन समर्धमंथिन ब्रह्मख्यम धामती या शांत संयासीन अमलहा दिग्वसन जिनका कोई कपड़ा नहीं है पूरा छोड़ दिया दिग्वसन दिग्वसन मीन वी आर वेयरिंग क्लोथ बट वी कैन डिस्कवर कालीमा भवतारिणी बोतारिनी एम नो क्लोथ द मुस्लिम पीपल इंसाल्टिंग नो क्लोथ, इडियट क्लोथ इज देयर यू कैन नॉट सी क्लोथ नहीं है क्लोथ है कैसे यदि अगर कोई कपड़ा पहने इसका अंदर में एक चैटी है तो आपको नंगा देखेगा इफ यू वेयर एन क्लोथ इव एन एंट इज देयर इनसाइड यूर क्लोथ यू कैन सी यू आर नेकेट बट एक्चुअली इन नोट नेकेट सो देवी दिस प्रकृति देवी ऑल दिगबास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऑल हिज क्लोथ हलो दिग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऑल डिरेक्शन दीक् उधो ऑधो ईशान ओग्निकोन ऑल हिस् क्लोथ सो इज नॉट नैकेट यू सी यू आ वाचिंग नेकेट् नॉट नैकेट सो मुनयो मुनो वातवसन श्रमण ऊर्धम ब्रह्मक्ष संयासीन सन्यासीन अमला दो दिग्वसन कोई कपड़ा चुपड़ा नहीं है श्रोमशील अपना कष्ट करके गुजारा करते हैं उर्ध उर्धो रहता इवन इन ड्रीम दे आर नॉट गोइंग तो टू ब्रेक दे आर ब्रह्मचर्य उर्धो रहता मुनि दे आर शांत तो, पीसफुल ट्रैंकविल कोई कामना वासना नहीं है क्योंकि चैतन्य चौथा में विचार है चौतन्य तो का विचार है कामना वासना नहीं है वैष्णव का कृष्ण भक्त निष्काम हो तो शांत कृष्ण भक्त निष्काम इसीलिए शांत है पीसफुल भुक्ति मुक्ति सिद्धि का सब अशांत दे आर ऑल रेस्टलेस भुक्ति एंजॉयमेंट मुक्ति सिद्धि ऑल दे काइंड ऑफ डिमांड ट वी नीड वी नीड इट दे आर नॉट पीसफुल ये लोगों का अंदर में कभी भी शांति नहीं है हर वक्त जब देखो बेचैनी बने रहते हैं जब देखो लोगों को हर वक्त बेचैनी बने रहते हैं कोई शांति नहीं है और वैष्णव लोग शांत हैं वैष्णव गुरु वैष्णव शांत है कोई टेंशन नहीं कोई टेंशन नहीं है देखो जर भरत जी को जर भरत महाराज को लेके काली देवी का सामने बोली दे रहा है काली देवी का सामने भवानी भवानी देवी का सामने बोली दे रहा है कमा खा कोई कारण नहीं है उसको लेके उसको काटेगा देवी का सामने बोली चढ़ाएगा सेक्रीफाइस तो ज्वरा भरत जी स्टिल नॉट इन टेंशन वेर इज हिज हेड इज ऑलरेडी देयर इन इन द ट्रैप एंड नाउ इज गोइंग टू काट काट नहीं जा रहा है फिर भी ज्वार भरत जी कोई टेंशन नहीं है कोई बोल नहीं रहे क्यों काट रहे हो हमने क्या कौसूर किया क्यों काट रहा है कुछ नहीं नो कंप्लेन इवन इज बॉडी इज देयर इज गोइंग टू काट ओके मै भी इट इज द डिजर्व देवी भवानी खोद अपना जो काटर है इसको लेके वो भीसल पति को काट दिया सब काटा काट के एकदम फेंक दिया सो so, मुनयो बात बसना श्रमणा ऊर्ध मंथिन धामते धाम ते या शांत बहुत प्योर है प्योरिटी है कोई विषय नहीं है काम नहीं है कुछ नहीं है और संन्यासिन ये लोग ये ब्रह्मोद्याम ब्रह्मोद्याम मन ज्योति एम पर्सनल ब्रह्मो, ब्रह्मो ज्योति में जाके लोग मिल जाते हैं ये लोग जाके वहाँ मिल जाते हैं और जो असुर लोग जो असुर लोग ए लोगों को भी उसी उसी जगह असुर लोगों को भी उसी जगह जो भगवान इसको उद्धार करते हैं वो उसा, उसी जगह जाके उसको स्थान मिलता है अंतर्जामी जारी जोग शास्त्र कय से गोविंद अंश से जे हाय जिसको अंतर्यामी परमात्मा सुपर सोल का নাম সে জানা যাত হু ইজ রেস্টিং ইনসাইড দ্য হার্ট অফ অল ক্রিয়েচার যোগ অন্তর্জামী যারে যোগ যোগশাস্ত্রে কয় সেই গোবিন্দ অংশ এ গোবিন্দ অংশ বিভূতি যে হয় পার্শিয়াল এক্সপ্রেশন ভগবান অনন্তস্ফটিকে যই জৈসে এক সূর্য ভাসে তৈ জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে फॉर योर ईजी अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी समझने के लिए खूब जल्दी समझने के लिए एक उदाहरण दिया एक शानगौड़ आसमान में है सूरज भगवान आसमान में है बहुत सारे पानी का पात्र रख दिया पानी वाटर पॉट सानगौड़ा बहुत सारे पानी का पॉट या तो मिरर का टुकड़ा मिरर का आईना का टुकड़ा रख दो हर पात्रों में देखोगे एक सूर्य दिखेगा हर पात्रों में देखोगे सूर्य इस पात्रों में है इस पात्रों में हर पात्रों में है एक सूर्य है एक सूर्य है लेकिन मिरर का टुकड़ो रखोगे नीचे बहुत सारे एक भी कोई टुकड़ों में देखो या पानी का पत्र हो बहुत सारे पानी का पत्र बहुत सारे पानी का पॉट रखा पानी भरपूर है और किसी भी पानी पॉट में देखो देखो सेम सूर्यो वहां रिफ्लेक्टेड ये उदाहरण कृष्णदास कोविराज गोस्वामी ने जिया है हर जीवों का अंदर में वही भगवान है परमात्मा के रूप में अंतर्जाम यारे जोग शास्त्र कोय সেই গোবিন্দের অংশ বিকুতি হয় অনন্ত স্ফটিকে জৈছে এক সূর্য ভাসে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে হার জায়গা গোবিন্দকে অংশ দেখায় পড়ে হার পরমাত্মা কূপ মে অথবা বহু নইতেন কিং জ্ঞাতেন তবার জন্য कृष्णम एकांशीन स्थित जगत अर्जुन वेंट ऑन पुटिंग क्वेश्चन 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 भगवान गिर आफ्टर दैट इसके बाद भगवान के लिए इतना जान के क्या करोगे हैं व्हाट यू कैन डू बाय टेकिंग सो मच इन्फॉर्मेशन ओनली यू नो एवरीवेयर आई एम देर अथवा बहुन अथवा बहु नई तेन किंग तो इतना खबर लेके क्या करोगे हम हर जगह है हर जगह हम इधम कृष्णम एकांत से न स्थित हो इन्फिनिटी मटीरियल वर्ल्ड इज माई पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ माई एनर्जी एक पात विभूति चार पात फोर पाँच चार पाँच विभूति है ओनली एक पात्र विभूति इज द एक्सप्रेशन इन इन्फिनीटी ब्रह्मांड एक पात ओनली इन्फिनीटी दैट इज भगवान अथवा बहू नो किंग अर्जुन व्हाट यू कैन डू विथ सो मच इन्फॉर्मेशन ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली वन पार्ट एक्सप्रेशन इन ब्रह्मांड देन What you can do? इतना खबर लेके क्या करोगे क्या काम कहे का भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ हैत्मकल्पित प्रतिदृषम इबो को धार को मेकम है समिगतोश्मी विधुतो भेद मोह भीष्मो भीष्मो अपना भीष्मो देव पितामह भीष्म पितामह भीष्मो देव अपना शरीर छोड़ने का पहले भगवान को बड़ा स्तुति किया पितामह भीष्म का अंदर में ऐसा एक चाहत था जे हमारा शरीर छोड़ने का पहले गोविंद मेरा पास आ जाए शरीर छोड़ने का पहले मेरा पास गोविंद स्वयं आ जाए तो भगवान भक्तवान कल्पतरु है तो भगवान ने वह युद्ध क्षेत्र में जहां भीष्वदेव पड़ा हुआ है एक सौ एरो एक सौ एरो का ऊपर स्वर एक सौ एरो बाण का ऊपर पड़ा हुआ है भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गया भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पितामा भीषो पितामह हाउ यू फील बोले ऑल ओके हंड्रेड्स ऑफ एरो इसका है फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने पूछा हाउ यू फील एवरीथिंग वेरी नाइस क्यों क्योंकि भगवान कृष्णो भगवान अपना अमृतोमय दृष्टि अपना जो दृष्टि है अमृतोमय दृष्टि भीष्व पितामह को ऊपर डाला और अमृतों में दृष्टि देने का साथ साथ सारे पेनफुल एक्सपीरियंस गायब ऐसे तो पीतामा विश्व महाभक्त है महाजन है उसका बॉडी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कोई भी प्योर भक्त हो उसका बॉडी फीलिंग्स नहीं है बॉडी फीलिंग मतलब बॉडी का साथ उसका कोई संबंध नहीं है वो उगता ठीक है खाना है तो खाओ सोना है तो सो कुछ भी करना है कर लो एज पर देयर यूजुअल हैबिट देयर डूइंग एवरीथिंग बट एक्चुअली दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड ये लोग अपना शरीर और मन का कंट्रोल में नहीं है अपना अलग है बामन गुस्से महाराज जी को बहुत आदमी कहते थे इतना बड़ा साधु है इतना बीमार क्यों है इतना बड़ा साधु है बीमार क्यों है बामन गुस्से बोलते बीमार अलग चीज़ है भजन अलग चीज़ है एक साथ क्या है भजन तो आत्मा करते हैं जो भी है यहाँ पितमा भीष्म बोला हे कृष्णो एक ही आसमान का सूर्यो जैसे प्रति चक्षु का विषयभूत भिन्न भिन्न वस्तु बोले अवोध है ठीक ऐसे ही तुम्हारा एकांश परमात्मा का रूप में हर शरीर का अंदर में हृदय में अधिष्ठित होकर लगता है कि मानो अलग अलग तत्व है पृथक तत्व रूपे एक ही कृष्ण है हर हृदय में परमात्मा रूप में अलग अलग है तो लगता है कि अलग अलग तत्व है लेकिन अलग नहीं है एक ही है लेकिन जब ये लोग तुम्हारा आत्मकुल्पित तो होय अर्थात तुम्हारा दास रूप में अपने को समझ पेता समझ पाता है ऐसे तो अलग अलग करके आइडेंटिटी ढूंढ बैठता है अलग अलग आइडेंटिटी समझता है लेकिन जब ये लोग आपका दास आपका आत्मकल्पित हो मतलब आपका दास बोल के अपने को समझ पाता है तब इन लोगों का अंदर में कोई भेद बुद्धि नहीं रहता तब इन लोगों का अंदर में कोई भेद बुद्धि नहीं रहता परमात्मा को आपका अंश समझकर गत तो मोह कोई भेद बुद्धि छा जाता है एक उदाहरण दे दे जब चतुषन चतुष्सन सनंदन सब कुछ चतुषण बैकुंठ जगत में गया था बैकुंठ जगत में वो नंगा है कोई कपड़ा चुपड़ा नहीं है दिग्वसन बैकुंड जगत में गया बैकुंठ जगत में, में गेटमैन उसको अए अंदर मत जाओ बोले क्यों क्या बात है अंदर में जाए वैकुंठ गेटमैन जो है उसको आठ उसको जाने नहीं दिया मत जाओ बोले क्यों भाई क्या हुआ बोले नहीं जाने नहीं दिया और अपना एक लाठी है ना लाठी लेके बोले बाहर जाओ तो ज, जय विजय को भगवान का प्रेरणा सही है वो सब डिटेल डिस्काशन संभव नहीं है तो इन्होंने साफ दे दिया अरे मूरख तू वैकुंठ का पार्षद है यू आर द सर्वेंट हेयर इन बैकुंठो हाउ यू आर गोइंग टू यू एंड मी यू एंड मी हाउ वैकुंठ इज द परफेक्ट रियालिम देर इज नो पॉसिबिलिटी दैट सम बॉन्डेड सोल कैन कम सो आई यू आर गोइंग टू कच पुलिस कैन कार्स यू आप दे दिए जा भगवान ने बोला ये मेरा इच्छा से हुआ बोले भाई तुम्हारा भेद बुद्धि कहाँ से आया अभी भी रामानंदी साधु और आदि जो है ये लोग भोजन बनाता है भोजन रोटी पानी सब कुछ मैंने देखा हिमालय 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 में हिमालय में गंगोत्री में पहुंचा गोमुख काल जाएंगे एकादशी का दिन है और इसका पहले दिन पहुंचा रात को और रात को एक जगह सेल्टर लिया उड स्ट्रक्चर एक है उसका अंदर में और रात को साधु का झुंडू है वो चिल्ला रहा है कोई महात्मा भूखा है तो आ जाओ कोई महात्मा अगर भूखा है रोटी चाहिए तो ले जाओ मतलब ये लोग पहले कोई अगर रोटी मांगने आए तो उसको देता है बाकी जो रेसिड्यू रहेगा वही खाएगा नियम है क्योंकि वो लोग सोचता है हर किसी का अंदर में भगवान विराजमान है हर किसी का अंदर में भगवान है खामा का किसी को अत्याचार करे मारे पीटे अपमान करे भगवान बोला इफ to insult इंसॉल्ट beating बीटिंग इज एक्चुअली बीटिंग me ये रोनो वो जानता नहीं कि मेरे को ही अत्याचार कर रहा है जब तू तू मैं मैं जब तू तू मैं मैं हमारा है तुम्हारा है ये विचार गिर जाता है ये विचार रहता नहीं जब कोई व्यक्ति समझता है कि हर जीवों का अंदर में भगवान विराजमान है तो इसका अंदर में और भेद बुद्धि नहीं रह सकता भेद बुद्धि खत्म हो जाता है सही तो गोविंदो साक्षात चैतन्य गोसाई यही गोविंद है जिसका बारे में अभी तक कहते आ रहा है वही गोविंद है चैतन्य महापो वही गोविंद है एक ही है से ही तो गोविंदो साक्षात चैतन्य तो गोसाई जीव निस्तारित वही क्षेत्र दयालु आ नाई तमाम ये जगत का बद्ध जीवों को बचाने के लिए उद्धार करने के लिए अहमेव कचित ब्राह्मण संन्यासम आश्रम आश्रित हम किसी कलिकाल में हम सन्यास आश्रम लेकर इस जगत में आएंगे और ये बद्ध जीवों को बचाने के लिए बद्ध जीवों को भक्ति वितरण करने के लिए हम आएंगे से ही तो गोविंदो साक्षात श्री चैतन्य से ही तो साक्षात गोविंदो से ही तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीव निस्तारित चैतन्य महाप्रभु का मापी गौरंग नित्यानंद महाप्रभु को मापी इतना दयालु कोई नहीं है कभी भी न भूतो न भविष्य ऐसा नहीं है पर वैश्य नारायण नाम भगवान पर ब्रह्म वैकुंठ में नारायण रूप पकड़कर स्वर लक्ष्मी का लक्ष्मीकांत तो लक्ष्मीकांत भगवान का रूप में विराजमान रहता है परोपन मने वैकुंठ रियाल वहाँ भगवान नारायण का रूप लेकर सरैश्व्य ओश्वस्व समग्रस्व विजस्व जशो श्रीयो ज्ञान वैराग्यो सर भगो इंगन सारे लेकर सरैश्व्य पुर पूर्णो पूर्ण लक्ष्मीकांत अर्थात लक्ष्मी देवी का पति है भगवान वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व तो तो जारे कहे नहीं यार सौम वेदों में भागवत जी महापुराण में उपनिषद में आगम में कई भी जो पूर्ण तत्व का जो चर्चा हुआ है पूर्ण पूर्ण तत्व का बारे में जो हर शास्त्र में विचार बताया है हर शास्त्र में पूर्ण तत्व पूर्ण तत्व का अंदर में कभी अभाव नहीं रह सकता पूर्णतत्व तो तो पूर्ण है इसमें कोई डिफ नहीं रह सकता बदजीव का अंदर में पूर्णता नहीं है इसलिए हर वक्त डिससेटिस्फैक्शन लगे रहता है दुखी सुखी अभी हंसा आनंद अभी दुखी हो गया ऐसा लेकिन जो संत महात्मा भगवान का साथ नाता जोड़ के रखता है दो जू कनेक्टेड विद भगवान ऑल द टाइम पूर्ण वस्तु का साथ संयोग स्थापन करके जो विराजमान रहता है विराज इस जगत में ये जगत का लिए कोई दुःख सुख कुछ नहीं है कुछ नहीं है वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व जारे जारे कहे इनको पूर्ण तत्व बोला जाता है जिनके समान अधिक नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन इन मैथमेटिक्स स्टूडियो ना लेस देन और इक्वल टू और गेटर देन थ्री पॉसिबिलिटी एक है लेस देन एक होता है इक्वल टू और गेटर देन तीन तत्व, तो भगवान का बराबरी कोई नहीं है भगवान का बराबरी ये तीनों कंडीशन में एक भी फुलफिल नहीं करेगा, भगवान अनोखा है भगवान का साथ बराबरी कोई नहीं कर सकता पूर्ण संपूर्ण मादायो पूर्ण संपूर्ण मादायो पूर्ण मेव वो पूर्ण वस्तु का डेफिनेशन ये है पूर्ण वस्तु ते पूर्ण वस्तु निकाल के आए तो पूर्ण वस्तु रेसिड्यू रहेगा मेटेरियल जगत में कोई वस्तु है हम उठा के लेके गया तो कम हो जाएगा कम हो जाएगा ना दूध है एक कटोरी में दूध है मिल्क है इसमें एक लीटर ले लिया तो पचास लीटर में एक लीटर कम हो गया फिर फोर्टी फाइव फोर्टी नाइन लीटर हो गया लेकिन पूर्ण जगत में ऐसा नहीं पूर्ण जगत का डेफिनेशन है पूर्ण जगत में सब पूर्ण इवन डस्ट पार्टिकल जो है वो भी पूर्ण वन डस्ट पार्टिकल फ्रॉम बाईकुंड इज ऑल्सो पूर्ण नो इनकम्प्लीट ये सब ये दिमाग में विथ दिस ब्रेन वी कैन नॉट रियलाइज वी कैन गो अप टू दैट फार देन वी कैन रियलाइज इम्पॉसिबल फिर भी वही सुंदाएं से ही तो गोविंदो साक्षात चैतन्य गोसाई जीव निस्तारित क्षेत्र है पर ब्रह्म वहाँ भगवान नारायण का रूप में विराजमान है सरइस्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान वेद भागवत उपनिषद आगम ये पूर्ण तत्व जिसका बारे में बताया वेद में भागवत में उपनिषद में आगम में जहाँ जो भी, भी। पूर्ण तत्व इनके समान बराबरी नहीं है कोई असमोर्धमो ऊर्धमीन नॉट इक्वल टू ऑल इज गेटर ऊर्द्व तत्व द्रोष्टा का दर्शन का अनुसार इस जगत में कितना सारे वस्तु है लेकिन दृष्टा का दर्शन का जो क्षमता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी क्वालिफिकेशन ऑफ दर्शक दर्शन होता है बने में तमाम वस्तु हैं लेकिन अपना अपना संस्कार का अनुसार दर्शन क्रिया इफेक्टिव होता है अपना अपना दर्शन क्रिया का अनुसार जैसे एक टाइगर है एक टाइगर बड़ा भयंकर शेर तो एक टाइगर का सामने कोई अगर कोई अगर भक्त माता जी रहे कोई भक्त माता जी तो टाइगर क्या सोचेगा इट इज माई मिल सोचेगा ना इट नाउ आई नाइस मिल पर वेन ए प्योर साधु कैन से इज माई मादर कमिंग तो अकॉर्डिंग टू संस्कार हर हर आदमी का संस्कार अलग है अकॉर्डिंग टू दैट वो उन लोग को दर्शन होता है दृष्टा पहुपात मेनी टाइम पहुपात बहुत बार बहु पहुपात बहुत बार इस विषय में हम लोग को शिक्षा दिया दृष्टा दर्शन दृष्टा दर्शन दर्शक फलो दुष्टा दर्शन दर्शक watching, what व्हाट ऑब्जेक्ट which हुई watching, ऑल बहुत फास्ट थिंक है भक्ति योगे पाए यार दर्शन भक्ति योग आश्रय करने से भगवान का दर्शन मिलता है भगवान भक्ति के अलावा योग ज्ञान किसी के द्वारा कर्म मांगे दर्शन का विषयभूत तो नहीं होता है भक्ति के द्वारा भगवान का दर्शन मिलता है भक्ति के द्वारा दर्शन प्रेमाजन छुरीत भक्ति विलोचन सत सदैव हृदय यंग यम सुंदरम अचिंतगुण सर्पम गोविंदमादिपुर नम ফির আম শ্লোক বোলা তুমিযোগ পিভাবিত হিত আসসে সুতে পতনুনাথ পুংস যদি তো উরগায়ে বিভাবতি তদ পু প্রণয়সে সদনুগ্রহায় সব কি বহ্যা কি ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যার দর্শন ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যার দর্শন भक्ति योगे भक्तोपाए पाए जहार दर्शन भक्ति होने का कारण विशुद्ध भक्ति होने का कारण भक्तों भगवान का दर्शन हर वक़्त अंतर में दर्शन होता है बाहर में दर्शन तो हर जगह राय महाशय को महाप्रभु जी ने बोला जब महाप्रभु बोला महाप्रभु बोला किसको राय महाशय को कहाँ वो गोदावरी तट में जहां राय रामानंद संवाद हुआ राय महाशय कर रा, राय महाशय कह रहे हैं आपका अंदर में कुछ ऐसा कुछ देखा ये क्या देखा आपका अंदर में राधा गोविंद देखा आपका अंदर में ये गलती है आपका महाप्रभु को बोल रहे हैं रामानंदो हैव सीन इन साइड यू राधा गोविंद नो नो एक्चुअली इट इज यू आर गेट डिबोटी ना जहां वेर एवर यू आर लुकिंग यू कैन फाइंड योर स्टो देव एन आई माजो डोंट ट्राई टू हाइड अरेस्ट किया इसके बाद बोला तो महाप्रभु जी ने बोला भक्तों जहा भी दर्शन करे वहीं भगवान का दर्शन हो जाता चारों चारों ओर जहां देखे भगवान दर्शन भक्ति जोगे भक्त पाए जहां दर्शन सूर्य जैनो सविशेष देखे देवगौन हम लोग अगर सांगोट को देखे हम देख कुछ नहीं है कि लाइट है सांगोट को देखे और कुछ नहीं है सिर्फ लाइट है कुछ नहीं है लेकिन कृष्णदास को गुस्सा समय कह रहे हैं देवतालोक देवता लोग अगर सूरज भगवान को देखना चाहे वो देख पाता है देवतालोक सूरज भगवान के साथ बात कर सकता है बात कर सकता है भेंट कर सकता है सब कुछ सब कुछ हो सकता है सूर्य जनो स्विग्रहो देखे देवगौ हम लोग देखते हैं सूर्य एक लाइट है और कुछ नहीं विकिरण है लेकिन देवता लोग अगर देखे सूरज भगवान का अंदर में एक स्वरूप देखता है जैसे कुंती देवी बुक देखा ना कुंती देवी बुक हमने पब्लिश किया कुंती देवी बुक कुंती देवी बुक उसका अंदर सूरज भगवान का स्वरूप है पूरी जगन्नाथ मंदिर का अंदर में वहाँ भी सूर्य भगवान का मूर्ति है अंदर में कुंती देवी ने मंत्र के द्वारा दुर्वासा मुनि जो मंत्र सिखाया था मंत्र के सूरज भगवान आ गया ये मंत्र जप के सूरज भगवान तो देख रहा है शॉक वाई यू कॉल मी विदाउट एनी रीजन विदाउट एनी रीजन आई कैनोट हम अगर आया है तुमको कुछ लेना ही पड़ेगा हम आशीर्वाद करके जाएंगे बोले विदाउट एनी रीजन कॉल है बोले विदाउट एनी रीजन तो समझेगा नहीं आई हैव टेकन ट्रेवल टू कम फॉर लॉन्ग डिस्टेंस यू टू टेक समथिंग लेना ही पड़ेगा तो <laughs> कुंती देवी घबरा गया कुंती देव का फोटो है कुंती देवी का फोटो है ये कुंती देवी का किताब में सूर्य सभी स्वाग्रह देखे देवगौन देवता लोक सूरज भगवान को पर्सोनिफाइड पर्सोनिफाइड अवस्था में देखता है और ज्ञान योग मार्ग तारे भजे जे सब ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में जो वही गोविंद भगवान को भजन करते हैं ये सारे अलग अलग तरीका से सब एक ही वस्तु है एक ही वस्तु है लेकिन अलग अलग भाव से भजन करता है कोई कारण नहीं बार बार बोला बदंती तत्वीदत्व ज्ञा ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्म थी भगवान तो अकॉर्डिंग टू देयर भजन उनके भजन का अनुसार ज्ञान मार्ग में या जोग मार्ग में जो जैसे जिसका इच्छा जिनको भजन करे ये कभी ब्रह्मो इफालजेंस का रूप में देखेगा और योग मार्ग में परमात्मा के रूप में देखेगा ये तो देखेगा लेकिन भक्तों भगवान को देखेगा भक्तों क्या देखेगा भक्तों भगवान को देखेगा उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा उपासना माने भजन का वैरायटी भजन का भजन का अनुसार ईश्वर का महिमा भजन का अनुसार ईश्वर का महिमा प्रकाशित होता है भजन का अनुसार ईश्वर का महिमा प्रकाशित होता है अतवे सूर्योतार दिए उपमान इसीलिए सूर्य भगवान का उदाहरण इसीलिए सूर्य भगवान का उदाहरण देके हम समझाने का कोशिश किया है सही नारायण कृष्ण स्वरूप अभेद जो नारायण है वही कृष्ण है नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है जो नारायण स्वरूप में विराजमान है वही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप में एक ही है लेकिन फिर भी भेद है से ही नारायण कृष्ण स्वरूप अभेद एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद नारायण और कृष्णो स्वरूप एक ही डेकोरेशन समथिंग इज डिफरेंट लेकिन एक ही है जब महाप्रभु जी ने जब दक्षिण भारत गया था महाप्रभु जी ने जब दक्षिण भारत गया था बेंकॉट भट्टू तिरुमल भट्टू का साथ भगवत कथा का, का चर्चा किया करते थे उस समय एक दिन महाप्रभु जी ने पूछा क्या बात है तुम्हारा लक्ष्मी इतना तपस्या करती है कि आज तक उनको भगवान का संग एसोसिएशन नहीं मिला क्यों क्या कारण है बेंकॉट भट्टू बोला इसमें इसमें हंसी मजाक का क्या बात है जो कृष्ण है वही तो नारायण एक ही तो है भगवान कहें हम तो वो जानता है मेरे को जानकारी में है जो भगवान कृष्ण है वही नारायण है फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्या कारण है वहाँ चर्चा हुआ था सिद्धांत ततस्तु अभैद ओफी सिद्धांत ततस्थु अवैध ओपी श्री कृष्णो ईशो यो रसे न उत्कृष्ट सती रसा स्थिति ही। वेंकट भट्ट बोला हम जानते हैं नारायण और कृष्ण एक ही है फिर भी अकॉर्डिंग टू रस तत्व देयर इज ऑफ डिफरेंस बिग डिफरेंस तो जो भी है से नारायण कृष्ण स्वरूप अभेद जो नारायण है वही कृष्ण है स्वरूप स्वरूप अभेद एक ही विग्रह हो जो ब्रह्म संगीता में बोला है दीपाचुरी दशातरत्व दीपा यतिविवृत्व हेतु समान धर्म है ये जो व्याख्या किया है जैसे एक दीपक है लैंप जल रहे हैं हमने खुद देखा है राधा कुंड का चारों ओर इस दिवाली का टाइम अन्नकूट है ना चारों ओर दीप दे दिया किसी रीछ आदमी ने और बहुत सारे आदमी लैंप लेके ओरिजिनल दीप जल रहे पहले एक लैम्प उससे सारे प्रदीप को जलाया लेकिन रात को इतना सुंदर शोभा हुआ देखने में लगता है सब प्रदीप एक ही है व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्रदीप ये पता नहीं चलता ऐसा ही है श्री नारायण कृष्णेन् स्वरूप अभेद एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद मैं नारायण के चार हाथ है शंखो गदा पद्म ये हैं और कृष्णों का वंश है और शंख चक्र पदा गोदा पदों का ये जो परम्यूटेशन विन्यास और चेंज हो है मैं शंखो चक्रो गदा पद्म दिस वे परम्यूटेशन कम्बिनेशन कम्बिनेशन किया ना मैथमेटिक्स <laughs> में तो इसमें निकल जाएगा कितना भगवान का संकोच चक्र ग ओनली पोजीशन चेंज ये नाम अलग हो जाएगा नाम अलग एक एक अलग अलग नाम भगवान चैतन्य महाप्रभु व्याख्या किया शंको चक्र गोदापदी ना ना चक्र पक्र इज नाम इज देश दिस इज देस इज ऑल महाप्रभु स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ है you ना know, शंकर चक्र का सो विग्रोह so, एक ही है भगवान श्री कृष्ण है भगवान श्री कृष्ण ही है लेकिन अलग अलग सा स्वरूप है अलग अलग सा स्वरूप एक ही है अलग अलग सा आकार आकृति अस्त्रों का धारण भगवान द्विभुज है भगवान का दो हाथ है आ तीनों धारे चार ही हाथ इनके चार हाथ है भगवान गोविंद कृष्णों का हाथ में बेनू हैं बांसुरी हैं और नारायण का हाथ में शंकुर चक्र का था कृष्णों का हाथ में एक फ्लूट है बंशी कृष्ण कहे अच्छा ऐसा है चक्रादिशा भागवत जी महापुराण में श्रीमद भागवत श्रीमद्भागवत जी महापुराण में दसमास कंध में प्रमाण आता है जब भगवान ने ब्र, ब्रह्मा जी को कृपा किया जब भगवान ने ब्रह्मा जी को कृपा किया उस समय ब्रह्मा जी को क्यों ब्रह्मा जी बत्स ब्रह्मा जी शिशु बत्सो हरण शिशु बक्सो जो जो काफ है छोटे छोटे और कावर्ड बॉय सबको एडाप्ट ब्रह्मा लेके चला गया छुपा दिया ब्रह्मा ने एबड़ा, एबड़ा किया सब कुछ लेके चला गया तो ब्रह्मा जी ने अल्टीमेटली भगवान का पास जब बोल रहे हैं जे आप ही सब कुछ हो भगवान कह रहे हैं हम कैसे सब कुछ हम तो बच्चा है हम तो कावर्ड बॉय है तुम्हारा पिता नारायण है नो यू द रीजन ऑफ नारायण ब्रह्मा कर है ही नारायणस्तम नाम आत्मा खील साक्षी अंग्यम नरभुज नरभूजलाशयाना तच्चापी सत्यम न तवैव माया कि सुदास विराज गोस्वामी कह रहे हैं जितना सारे काफ है कवर्ड वॉयज हैं शिशु शिशु बत्सो हरि ब्रह्मा कोरियो अपराध आफ्टर कमिटिंग ऑफेंस अन्टू लूडो सूडो कृष्ण बाई एबडक्टिंग ऑफ काफ्स एंड कवर्ड वॉयज ना आफ्टर दैट एपीलिंग यू एक्सक्यूज मी डांस मिस्टेक हमने गलती कर दिया क्षमा करें शिशु बत्सो हरि ब्रह्मा को अपराध अपराध खमाईते मांगे प्रसाद जो कुछ भी किया है क्षमा करे जो कुछ भी किया है हमको क्षमा करे जो हो गया हो गया क्षमा करे शिशु बत्स हरि ब्रह्मा को अपराध अपराध खमाईते मांगे प्रसाद नाव अभी कृपा मांग रहे हैं क्षमा कर दो और इसके बाद ब्रह्मा स्तुति कर रहे तु, तुम्हारा नाभि कमल से हमारा जन्म हुआ है तू मेरा पिता हमने आपका नेवल नेबल से जन्म लिया है। तो आप मेरा पिता हो फादर हो शिशुभक्त हरि ब्रह्मा कोरी अपराध अपराध खुमाईते मांगे प्रसाद तुम्हार नाभिपद दो हमार जन्मोदय हमारा जन्म हुआ है आपका नाभि कमल से तो आप मेरा पिता हो पिता माता हम आपका बेटा हैं आपका लड़का है पिता माता कभी लड़का का दोष नहीं लेता है ब्रह्मा ट्राइंग टू सेटिस्फाई कृष्णो बाय डूइंग समब एक्चुअली आई टूक बाम योर नेवर पोर्सन सो एक्चुअली आई यू आर माई फादर मादर एवरीथिंग सो फादर मदर नेवर गोइंग टू आई गिव पनिशमेंट मैंने फादर मदर नेवर गोइंग टू फाइन फॉल्ट विथ सॉन्ग अपना बेटा का साथ कभी दोष नहीं देखते hmm. पिता माता बालों के नालय अपराध अपराध खमो मोरे करो अपसार hmm. किसी भी हालत से आप जो कुछ भी हमने किया है आप क्षमा कर दो क्षमा कर दो जो कुछ भी हमने किया है जो हुआ हुआ अभी क्षमा क्षमा कर दो पिता माता बालक के नालय अपराध पिता माता बालक का अपराध नहीं लेता है अपराध क्षमा कर दो और अपराध क्षमा कर वे कीपा कर दो किस्नो नाउ जोकिंग विद ब्रह्मा ऐ हाउ आई एम योर फादर आई एम ए स्मॉल बॉय यू आर द सॉन और नारायण कृष्णो नाव ब्रह्मा का साथ जोकिंग कर रहे है ब्रह्मा हाउ यू से आई एम फादर आई एम स्मॉल बॉय यू आर ये है ब्रह्मा कहे तुम्हें कृष्णो कहे ब्रह्मा तुम्हार पिता नारायण तुम्हारा पिता तो नारायण है आम ई गो आवर्ट बॉय हाउ यू आर माई सॉन किश्नो नाउ ट्राइंग टू मेक फुल ऑफ ब्रह्मा कृष्णो कह रहे हैं कि ब्रह्मा तुम्हारा पिता तो नारायण है मैं तो गोप हूँ तुम्हें तुम कैसे मेरा बेटा बन गया ये तो समझ ही नहीं आ रहा है ब्रह्मा कह रहे हैं देखो वन बाई वन डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ ब्रह्मा कहे तुम ही नारायण हो ब्रह्मा कह रहे हैं कि तुम ही नारायण हो नारायण के रूप में तुम ही हो ब्रह्मा कहे ही कि न हो नारायण ही नारायण सुनो तुम ही नारायण हो ईश्वर परम कृष्णो सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण तुम ही नारायण हो प्राकृत प्राकृतो प्राकृतो अप्राकित सृष्टि के लिए जितना सारे जीव का स्वरूप है तर जे आत्मा सब कोई का आत्मा आप मूल मूल स्वरूप सब कोई का इन्फिनिटी, जीवों का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी सब कुछ है सारे जीवों का आप ही परमात्मा के रूप में हर कोई का अंदर में विराजमान है प्राकृत प्राकृत सृष्टि जतो जीव रूप हर जो आत्मा तुम्हें मूल स्वरूप हर कोई का जो आत्मा हर कोई के अंदर में है ये ओरिजिनली तुमसे आया है परमात्मा के रूप जैसे पृथ्वी जो इसे घोट पृथ्वी पृथ्वी जो इसे घोट कुलेर कारण आश्रय है जब कोई मिट्टी का कोई पात्र बनाता है जब कोई मिट्टी का कुल्ला पात्र बनाता है सो पृथ्वी से मिट्टी लिया मिट्टी मैंने मार्ड पृथ्वी से कोई मार्ड लेकर कोई ग्लास बनाया पात्र बनाया ओरिजिनली इट कैन फॉर्म आर्ट ब्रह्मा वोलेन प्राकृत प्राकृतो प्राकृतो मेटेरियल क्रिएशन और अप्राकृतिक क्रिएशन अच्छा प्राकृतिक क्रिएशन और अप्राकृतिक क्रिएशन जो भी है सृष्टि प्राकृत में अप्राकृत जितना जहाँ जो कुछ भी है, है? प्राकृत अप्राकृत सृष्टि तो, तो जीव रूप सब कोई का आत्मा आप हो ये मूल स्वरूप यू आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ है जैसे पृथ्वी 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 से मिट्टी लिया पृथ्वी से मिट्टी उठाया पृथ्वी से मिट्टी उठाया जाके हमने कुल्ला ग्लास बनाया पात्र बनाया तो ओरिजिनल तो ऐसे अलग सा पात्र है पानी का पात्रों खाने का पात्र सब अलग अलग सा डिब्बा बना दिया मिट्टी का लेकिन विचार करके देखो तो सभी मिट्टी है सभी तो मिट्टी है हो सकेगा अलग अलग सेम मार्ड टेकिंग नाउ द फॉर्म ऑफ ग्लास पट एवरी ओरिजिनलिट सो प्रकृत अप्राकृत सृष्टि जो जीव रूप ताहार से आत्मा तुम मूल स्वरूप ओरिजिनल सोर्स लाइक जैसे पृथ्वी जैसे पृथ्वी से मिट्टी लेकर घट घट कुले कारणाश्रय जीवे निदान तुम तुम सर्वस्वय ইউজ দরিজিনাল মোস্ট অরিজিনাল সোর্স অফ অল জিজ অল ক্রিয়েশন নার মিন ওয়াটার নার শব্দে কহে সর্বজীবের নিশ্চয় নার শব্দে কহে সর্বজীবের নিচয় আয়ন শব্দে কহে তার আশ্রয় নারায়ন নার অয়ন নার মিন ই সোর্স অফ অরিজিনাল सोर्स ऑफ ऑल जीवा तमाम जीवों का आप आश्रय हो उस नार और मिन सोना, ओयमिन आश्रय अयन मिन आश्रय ना सर्व जीवों का भी सोर्स आप है उसका आश्रय है नार शब्द कहे सर्वजीव निच नार मिन ऑल काउंटेज जीवास नार ऑल काउंटलेस जीवंस एंड ऑयन मीन ओरिजिनल सपोर्ट सपोर्ट ऑफ ऑल जीवंस इसका बाद बोला नार शब्द कहे सर्वजीव निचॉय ऑयन शब्द कहे तर आश्रय सो so, आप ही है ओरिजिनल नारायण सो so, आप ही है ओरिजिनल नारायण मूल नारायण खेतु सुनो द्वित दिस इज वन आर्गुमेंट आई प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू दैट टू प्रूव दैट यू आर द ओरिजिनल नारायण कृष्ण एक प्रमाण दूसरा प्रमाण दे द्वितीय प्रमाण क्या जीवर ईश्वर पुरुष आदि अवतार जीवेर ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার তা সব হইতে তোমার ঐশ্বর্য হবা ঠিক পুরুষাদি অবতার কর্ণনবসায়ী গর্ভদা ক্ষেরোদকশাই অল বিভিন্ন সব অবতার জীবের ঈশ্বর আপ আপ জীবের ঈশ্বর হো আর আপি পুরুষাদি অবতার লেকে আপি আয় হ্যা कारण साई विष्णु आप ही हो गर्भदाई विष्णु आप ही होरद सी विष्णु आप ही हो सब आप सावाप, सब आप ही हो सीबे so, ईश्वर पुरुष आदि अवतार दास हि तुम ऐश्वर्य साम एक्सक्लूसिव ऐश्वर्य साम एक्सक्लूसिव ऐश्वर्य आपका अंदर में है অধীশ্ব ইর দরিজিন রিজন অ তোমার শক্তিতে তারা জগদরক্ষিথা দে আর্ গেটিং পাবর ফ্রাম ইউ টু প্রোটেক্ট দিস ইনফিনটি ও জুসমথাবলম্ব জীবন্তি লোম বিরজা জগদন্ডনাথা বিষ্ণু মহান স ইহ জুসু কলা বিশেষ গোবিমা পুরুষ তোমাং ভজমি হ ताली जितना सा पुरुष अवतार है जो कुछ भी है सबसे तुम्हारा ऐश्वर्य अपार एंडलेस अतएव ओश्वर तुम्हें सर्वपिता सो यू आर द ओरिजिनल फादर ऑफ एवरीथिंग कोई बिलीव और नॉट बिलीव कोई कन्फेस और डोंट कन्फेस दैट्स कन्फ्यूज दैट वरी ओरिजिनल नारेर अयन जाते करह पालन सब प्राणी का तुम पालन करते हो हर प्राणी का अनु है अनंत तो जगत का पालन करते हो तो अतोए नारेर अयन जाते करह पालन अतएव तो हाउ तुम्हें मूल नारायण सो मूल नारायण आप ही है आप ही मूल नारायण है तीसरा कारण पहला कारण दे दिया इसका बाद दूसरा कारण दिया थर्ड डॉक्यूमेंट दे रहा तीसरा कारण तृतीय कारण सुनो भगवान हे भगवान सुनो द थर्ड डॉक्यूमेंट हम के देने जा, दे, देने जा रहा हूँ अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठ आदि धाम अनंत ब्रह्मांड प्राकृत एवं अप्राकृतो मेनी मेनी बहु वैकुंठ आदि धाम इथे जत जीव हर जाएगा जो जीव विराजमान है इसे जत तो जीव तार त्रिकालिक कर्म ता देखो साक्षी तुम्हें जानो सब मर्म हर जीव हर जीव हर जीव अपना अपना फल जो किया है इसका फल भोगेगा तृतीय कारण अनंत ब्रह्मांडो बहु वैकुंठ आदि धाम जितना सारे जीव इसका अंदर में हैं इनके कर्मो, त्रिकालिक कर्मों, त्रिकालिक कर्मों, तहा देखो साक्षी तुमी जानो सब मर्म भगवान एज ए सुपर सोल अंदर में बैठा हुआ है सारे चीज का डॉक्यूमेंट उसका अंदर हर चीज उसको जानकारी है इफ आई एम डूइंग सम मिस्टेक ही कैन अंडरस्टैंड सो তৃতীয় কারণ বলা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠ আদি ধাম ইথে যত জীব তার ত্রিকালিক কর্ম তাহা দেখো সাক্ষী তুমি জানো সব মানুষ হর কইকে হর হরকে হৃদর মে হর কইকে হৃদয় অন্দরমে আর পরমাত্মা রূপ মে হো ইউ দ্য এভিডেন্স ইন এভ্রি বর্নি এভ্রি ইনস এভরি মেটির तुम्हार दर्शन सर्व सर्वजगत स्थिति होल इनफिनिटी वर्ल्ड इज मेंटेन बाय यू इफ यू आर गोइंग टू इग्नोर दे कैन गेट डिस्ट्रॉय तुम्हार दर्शन सर्व सर्वजगत स्थिति सर्व जगत का स्टेबिलिटी है आपका कारण आपको अगर आप इग्नोर कर दिया किसी को देखा नहीं तो वो मरेगा अगर भगवान ने इनकार कर दिया किसी को सहायता स्वया, नहीं किया तो इसका कुछ करने का नहीं है इसका कुछ करने का नहीं है भगवान सब कुछ चला रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं अगर भगवान इन लोगों पर कृपा ना करें सारे बेकार हो जाएगा तुम्हार दर्शन स्वर्व जगत स्थिति नारद कह रहे हैं आपका दर्शन के द्वारा जगत का स्टेबिलिटी बनता है अगर आप ना देखो अगर आप नजर उठा के अगर आप नजर उठा के नाग अगर ना देखो तो किसी का स्थिति गोती स्टेबिलिटी नहीं हो सकता चौ so, तृतीय कारण क्या बोला है तृतीय कारण सुनो श्री भगवान अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठ आदि धाम इथे जो तो जीव ताली तो कर्मो ताहा देखो साक्षी तुम्हें सब जन मोर सब जन मोरू इथे जो तो जितना सारे जीव है इसका अंदर में जितना सारे जीव है सब इनके हुए कर्म अनंत काल से जो कर्म करते आ रहे हैं सब आप जान दो अनंत ब्रह्मांडे बहु बैकंड धाम इथे जो तो जीवता तयकालिक तो कर्म ता देखो यू आर सीटिंग एज ए एज ए विकनेस देखो साक्षी तुम्हें तुम्हें जानो सब मर्मो सब तुम जानते हो अंदर तुम्हारा दर्शन कृपा दर्शन तुम्हारा कृपा दर्शन के द्वारा तुम्हारा कृपा तुम्हारा कृपा दर्शन के द्वारा जगत का स्टेबिलिटी है अगर आपका किपा दर्शन हट गया तो सारे खत्म हो जाए तुम्हार दर्शन की स्थिति तमाम जगत का तमाम जगत का जो स्टेबिलिटी है सब कुछ है ये सब तुम्ही कारण हो तुम्हार दर्शन की स्थिति अगर आप इग्नोर कर दो उपेक्षा कर दो आप अगर इग्नोर कर दो उपेक्षा कर दो तो किसी का कोई कुछ नहीं होगा जैसे सृष्टि का टाइम में महत्व तो बिकार करके सब कुछ हुआ देवता लोग भगवान के बोला भगवान को बोला वी कैन नॉट क्रिएट बम लो वाई भगवान लो वाई आई गिव एवरीथिंग आई गिव एवरी थिंग वाई यू कैन इम्पॉसिबल फॉर आस भगवान वी कैन नॉट वी कैन नॉट हारमोनाइज ऑल डिफरेंट आइटम आर देयर बट टू हर मोनाइ से एवरीथिंग देन भगवान देन भगवान ने क्या किया जब देवता लोगों ने बोला क्रिएशन हो नहीं रहा भगवान आदेश किया करो हो नहीं रहा तो भगवान ने क्या किया हर वस्तु का अंदर में इंट्रोड्यूस हो गया जैसे ब्रह्मो का उदाहरण दिया सॉल्ट और वाटर हर कुछ इसके बाद सारी सृष्टि धका धका धक्का धक् धक्का धक चल रहा है इसका पहले नहीं हर वस्तु का अंदर में जैसे हमने एक उदाहरण दिया एक बड़ा सा फैक्ट्री है एक बड़ा सा फैक्ट्री है फैक्ट्री सेटअप है फैक्ट्री में मशीनरी मेस, मेस, है रॉ मटेरियल है लेबर है गोडाउन है चेयरमैन है चेयरमैन मैनेजर है डायरेक्टर है, है ओ बिग मैसिव अरेंजमेंट लेबर हो है फोरमैन है सब कुछ रेडी लेकिन काम नहीं हो रहा है सब कुछ है लेकिन बोलते हैं काम नहीं बन रहा है क्यों सब तो कर दिया सब तो दे दिया ना अब करो प्रोडक्शन करो मार्केटिंग करो सब बोलो हो नहीं रहा है क्यों इलेक्ट्रिसिटी नॉट दे है मशीनरी एवरीथिंग द इलेक्ट्रिसिटी इनविजिबल इन आवर बट वी कैन फील सब कुछ है सब फुल फील एवरीथिंग बट ओनली इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट देयर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कुछ नहीं है प्रोडक्शन क्या करोगे फैक्ट्री क्या करोगे व्हाट मैनेजर कैन डू नथिंग एस करेंट इलेक्ट्रिसिटी दे देन ऑल हारोलाइंस मैसिंग भाका भाग भाका भाग मशिंग चलते रहेगा प्रोडक्शन होगा पैकिंग होगा मार्केटिंग होगा सब कुछ हो जाएगा यही कारण है तो ये, ये यहाँ तक आज का चर्चा विश्राम दे जो भगवान तुम अगर भगवान तुम अगर नज़र उठाकर भगवान तुम अगर दया करके नज़र उठाकर ना देखो तो सारे जगत बेकार है सारे जगत आप अगर कृपा करोगे तो ठीक है नहीं तो आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे फिर काल होगा तो क्या बताया था पहला श्लोक हमने बताया था हैं